गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो आज मैं बूंदी रायता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले शुगर ऐड कर रही हूँ दही में। शुगर ऑप्शनल है, किसी को पसंद आता है रायते में, किसी को नहीं आता है, तो आप अपने अनुसार यदि आपको पसंद आए तो ऐड कर दीजिएगा, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो इसको शुगर और ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद इसको अच्छे से बीट करना है, और जब तक कि हमारा दही एकदम जो है सॉफ्ट ना हो जाए। और उसके बाद जब हम इसके अंदर तड़के की तैयारी करेंगे, तो तड़के के लिए मैंने रोस्टेड जीरा, सौंफ और राई का पाउडर जो है मैंने बना के रखा हुआ है, दरा दरा पीस लिया था उसको। तो यहाँ पर चम्मच में एक मैंने घी थोड़ा सा ऐड किया है, उसके बाद में सौंफ जीरे का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड करके गैस की फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर इसको तड़का लगाने के लिए रख दिया है। तो जब ये मेरी चम्मच में थोड़ा सा जब जीरा और सौंफ का पाउडर जो है वो थोड़ा सा जो है तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा आग पकड़ना ज़रूरी है चम्मच में ये तड़के को इस तरीके से, और फिर मैं उसको जो है हमने जो बैटर तैयार किया करके रखा था दही का उसके अंदर हम इसको डाल देंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो भी फ्लेम धुआं रहता है ना तड़के का, वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसको थोड़ी देर 5 मिनट के बाद ही हम जो है इसको ओपन करेंगे। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर बूंदी डाल दूंगी, और थोड़ा सा गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है। तो ये हमारा जो है बूंदी रायता बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से बनाती हूँ मैं बूंदी रायता। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ इस रेसिपी को। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बना के देखिएगा कि कैसा लगा है आपको रायता, फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलूँगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल।